अब हम बात करते हैं अगले योग के बारे में, उभयचारी योग। उभयचारी योग, ये उभयचारी योग क्या होता है? देखिए, वेशी योग और वासी योग, इनको मिला के ही उभयचारी योग। ऐसे सूर्य कहीं भी कुंडली में बैठे हुए, सूर्य से दूसरे भाव में और 12वें भाव में, 12th हाउस में, इन दोनों में अगर शुभ ग्रह बैठ जाए, इन दोनों में शुभ ग्रह बैठ जाए, चंद्रमा को छोड़कर, चंद्रमा इस योग में भी पार्टिसिपेट नहीं करता, उसका होने ना होने से इस योग में फर्क नहीं पड़ता, तो सूर्य से दूसरे और 12वें भाव में चंद्र को छोड़कर कोई अन्य शुभ ग्रह बैठ जाए तो वहाँ पर उभयचारी योग बनता है। कैसे? देखिए, माना सूर्य यहाँ पे बैठे हुए हैं, सूर्य से दूसरा भाव ये हुआ, पहला दूसरा, सूर्य से दूसरे भाव में कोई शुभ ग्रह बैठ जाए और सूर्य से 12वें भाव में कोई शुभ ग्रह बैठ जाए, यहाँ से गिनिए तो 1, 2, 3, 4 इस तरह करके आएगी, तो 12वां भाव ये आया, यहाँ भी शुभ ग्रह बैठ जाए, अर्थात सूर्य से आगे और सूर्य से पीछे अगर शुभ ग्रह बैठे हों, चंद्रमा को छोड़कर, चंद्रमा को नहीं गिनेंगे, तो चंद्रमा को छोड़कर अगर सूर्य से आगे और पीछे के भाव में, अर्थात दूसरे भाव में और 12वें भाव में शुभ ग्रह बैठ जाए तो वहां पर उभयचारी योग बनता है। और इस योग के बनने पर भी व्यक्ति के पास बहुत अच्छा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सुख धन होता है। अब कंडीशन क्या है इन योगों में? देखिए, ये सभी योग सूर्य को लेकर बन रहे हैं, सूर्य के नजदीक है ग्रह, इधर भी इधर भी। अब चाहे वो वेशी योग हो, वासी योग हो या उभयचारी योग हो, सूर्य से मिलकर ही बन रहे हैं और सूर्य के नजदीक है आगे या पीछे वाले घर में। तो इन तीनों योगों के लिए कुछ बातें ध्यान रखें तभी यह योग बनेगा। पहला तो ग्रह शुभ होने चाहिए, दूसरा इनमें चंद्रमा को नहीं गिनेंगे, चंद्रमा को छोड़ देंगे हम, तीसरा ये ग्रह सूर्य से अस्त नहीं होने चाहिए, ये कोई भी ग्रह सूर्य से अस्त नहीं होने चाहिए, जिन भी शुभ ग्रहों की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जो भी शुभ ग्रह इस योग को बनाएंगे वो सूर्य से अस्त नहीं होने चाहिए, क्योंकि सूर्य के पास है, अगर एक पर्टिकुलर डिग्री में आ जाएंगे, लिमिट तक आ जाएंगे, तो वो ग्रह अस्त हो सकते हैं सूर्य से, तो ये देखना है कि वो ग्रह सूर्य से अस्त नहीं होने चाहिए। अब सूर्य है, सूर्य को राहु केतु ग्रहण लगा सकते हैं, तो ये भी ध्यान देना है कि सूर्य को राहु या केतु ग्रहण भी ना लगा रहे हैं। और जो भी शुभ ग्रह है, अगर ये पूरी तरह से शुभ है, अर्थात इन पे अशुभ ग्रहों की दृष्टि ना पड़ रही हो, ये अशुभ भावों के स्वामी ना हो, तो अति उत्तम, तो यह योग 100% बनेगा। लेकिन अगर किसी की दृष्टि पड़ गई, खराब ग्रह की, अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई, या ये अच्छे भावों के स्वामी नहीं है, तो इस तरह की कुछ कंडीशंस अगर आ जाएंगी तो इन योगों की शुभता में कमी आ जाएगी। जी, तो आज हमने अभी योग के बारे में जाना, योग के प्रकार के बारे में थोड़ी चर्चा की, सूर्य से केंद्र में चंद्र हो तो क्या होता है देखा हमने, पणफर में चंद्र हो क्या होता है, सूर्य से अपोक्लिम में चंद्र हो तो क्या स्थितियां पैदा होती हैं, वेशी योग क्या होता है, वासी योग क्या होता है, उभयचारी योग क्या होता है, और इनमें किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि यह योग बने, तो इन चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की। अगले अध्याय में हम कुछ और योग पढ़ेंगे।